राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्म थी संजू, जो साल 2018 में आई थी। तो साल 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल लगा दिया इन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए। और फिल्म निकली कैसी? द गुड एंड बैड रिव्यू ऑफ डंकी मूवी। पहले बैड रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द पता चल जाए कि कौन कौन से उम्मीदों के साथ ये फिल्म आपको देखनी नहीं चाहिए, वरना ये फिल्म आपको निराश करेगी। पहला, ये फिल्म राजकुमार हिरानी की फिल्म है, इसलिए हमें कुछ अलग दिखाएगी, कुछ अलग फील कराएगी। इस उम्मीद के साथ ये फिल्म बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस फिल्म में राजकुमार हिरानी अपना वो कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए। चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ, दोनों में ये फिल्म मुझे इंगेजिंग नहीं लगी। फिल्म में आगे क्या होगा ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं हो रही थी। दूसरी बुरी चीज़ है कि हमारे जो मेन करेक्टर्स हैं वो जिस रूट से इंग्लैंड का बॉर्डर क्रॉस करेंगे उस रूट में जान जाने का खतरा 75% है। तो इतने जोखिम के साथ उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना ही करना पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी मजबूरी है। तो मुझे उनकी मजबूरी समझ नहीं आई, क्योंकि यार जान जाने का सवाल है, और इतनी भी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि अपना घर परिवार छोड़कर अपने जान को दांव पर लगाकर जल्द से जल्द इंग्लैंड जाना ही जाना है। इसके पीछे का जो मजबूरी बताई गई है फिल्म में, वो मजबूरी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। हाँ, विक्की कौशल का जो करेक्टर था उसकी मजबूरी समझने लायक थी कि उसका किसी भी हाल में जल्द से जल्द इंग्लैंड जाना जरूरी है, लेकिन शाहरुख, तापसी और जो दो करेक्टर हैं उनका ऐसा करना मुझे स्टूपिड लगा। तीसरी बुरी चीज़ है फिल्म की बिगनिंग। फिल्म की शुरुआत में हमारे मेन एक्टर्स का ओल्डर वर्जन दिखाया जाता है, और फिर जो है वह फिल्म उनके पास्ट में जाती है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया, और फिर जो है वह प्रेजेंट में आती है। तो ये जो प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट का जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है ना, इससे हुआ क्या कि फिल्म में जहाँ थोड़ा बहुत सस्पेंस बनना था, स्पेशली तब जब वो डंकी रूट से ट्रेवल करते, वहाँ पर सस्पेंस था ही नहीं, क्योंकि हमें शुरू में ही दिखा दिया गया कि प्रेजेंट टाइमलाइन में हमारे करेक्टर जिंदा हैं, तो उस रिस्की मिशन पर उनके साथ तो कुछ नहीं होगा, ये तो क्लियर था। सो मेरे हिसाब से फिल्म की बिगनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, फिल्म की शुरुआत ही करेक्टर्स के यंगर वर्जन से होनी चाहिए थी। लेकिन शायद राजकुमार हिरानी ऐसा करके इस मूवी को थ्री इडियट मूवी की तरह बनाना चाहते थे, क्योंकि उस मूवी की भी जो स्टोरी टेलिंग है वो प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट में की गई है। इसलिए राजकुमार हिरानी को लगा कि ऐसा करके जो फिल्म में रीयूनियन देखने को मिलेगा, जब बिछड़े यार फिर से मिलेंगे, तो वह रीयूनियन लोगों को हिट करेगा, जैसा कि थ्री इडियट मूवी का रीयूनियन किया था। खैर दोस्तों, ये था डंकी मूवी का बैड रिव्यू। अब आगे बढ़ते हैं इसके गुड रिव्यू पर, जानते हैं उन अच्छी चीज़ों के बारे में जिन वजह से मैं आपको कहूं कि आपको ये मूवी देखनी देखनी चाहिए। तो भाई, ऐसी कोई अच्छी चीज़ मुझे फिल्म में देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी दो छोटी अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली, शाहरुख खान का करेक्टर लोगों को जिस तरह से एक्सप्लेन करता है, खासतौर पर शुरू में जब वो उस पंजाबी वाले बंदे की माँ को ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं इस पर एक एक्सप्लेनेशन देता है, वो एक्सप्लेनेशन मुझे पसंद आया, अभी तक मेरे दिमाग में है। दूसरी अच्छी चीज़ है फिल्म का टॉपिक। फिल्म का टॉपिक अच्छा था। अंत में जो रियल लाइफ फैक्ट्स बताया जाता है कि हर साल इतने लोग डंकी रूट से बॉर्डर क्रॉस करते हैं इस उम्मीद से कि उनकी लाइफ बेहतर होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकलती है। तो इस तरह का जिन लोगों का भी ओपिनियन है दूसरे देशों को लेकर, उनकी ये मूवी आंखें खोल सकती है। इवन मैंने भी कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर यूके, अमेरिका जैसे बड़े देशों में कोई चोरी छुपके भी पहुंच जाए और वहां पर झाड़ू पोछा का भी काम करे तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे लोगों की ये मूवी आँखें खोल सकती है। लेकिन फिर भी इस टॉपिक को बहुत ही परफेक्ट और इंगेजिंग तरीके से दिखाने में राजकुमार हिरानी कामयाब नहीं हो पाए। राजकुमार हिरानी की पिछली फिल्म थी संजू, जो साल 2018 में आई थी। तो साल 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल लगा दिया इन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए। और फिल्म निकली कैसी? एक ठीक ठाक सी रोमांस ड्रामा कॉमेडी मूवी, जिसे अगर आपको देखने का मन है तो एक दो महीना और रुक जाइए, जब ये मूवी OTT पर रिलीज़ होगी तो देख लेना। इस पर पैसे खर्च करके इसे थिएटर में देखने को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपका देखने का मन है तो जाइए, जाकर देखिए। आपका पैसा, आपका समय, ये मूवी आपका टाइम पास तो कर ही देगी, इतनी भी बुरी नहीं है। दोस्तों, ये था डंकी मूवी का गुड और बैड रिव्यू। अगर पसंद नहीं आओ तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद नहीं आओ तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट में भला बुरा कहिए। इसी के साथ ये फिल्मी मानूस इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता है।